बॉलीवुड की हिट मशीन अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक है। इस समय अक्षय अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन में लगे हुए हैं। इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी ने काम किया। फिल्म के दो ट्रेलर सामने आ चुके हैं और फैंस ने इन्हें खूब पसंद भी किया। हालांकि अब इस फिल्म को लेकर ट्विटर पर बवाल खड़ा हो गया। ट्विटर पर यूजर्स ने गुड न्यूज के दूसरे ट्रेलर पर अक्षय कुमार पर भगवान राम का अपमान करने का इल्जाम लगाया। इस ट्रेलर के अंत में अक्षय कुमार दूसरे एक्टर से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उसने अपने बेटे का नाम कैसे रखा। इसमें एक डबल मीनिंग जोक सुनने को मिलता है जिसे सुनकर कुछ लोग नाराज हो गए। इस जोक को सही ना लेते हुए लोगों ने अक्षय कुमार को ट्विटर पर खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। लोगों ने अक्षय कुमार की फिल्में से लेकर उनकी नागरिकता पर भी निशाना साधा और उन्हें भगवान राम का अपमान करने के लिए मना किया। लोगों का कहना है कि ऐसे डायलॉग से अक्षय ने भगवान राम को अपशब्द कहे जो कि गलत है। वही अक्षय कुमार के इस विवाद में फंसने के बाद फैंस उन्हें सपोर्ट में उतर आए। अक्षय के फैंस सलमान खान के फैंस को खरी खोटी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि सलमान खान ने फैन अक्षय कुमार को लेकर फालतू अफवाह फैसला कर रहे हैं। बता दें कि अक्षय कुमार के फैंस का सलमान खान को खरी खोटी सुनाने का कारण फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट हो सकता है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार को कमाई और फेम के मामले में सलमान खान से एक कदम आगे रखा गया। अक्षय कुमार इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तो वहीं सलमान खान तीसरे नंबर पर, वहीं शाहरुख खान और आमिर खान छठवें और पंद्रहवें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 रैंक क्रिकेटर विराट कोहली को मिली है। फिल्मी अड्डा से सुरभि मिश्रा की रिपोर्ट।